तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा ओ को पढ़ने का नियम। इससे पहले हमने ए को पढ़ने का नियम, ई को पढ़ने का नियम, आई को पढ़ने का नियम, यू को पढ़ने का नियम का वीडियो अपलोड कर दिया है, जहां पर आप ये सीखेंगे कि कैसे एक स्वर की अलग अलग ध्वनि निकलती है। हमारे हिंदी के बारह खड़े और अनारम इंग्लिश में हमें सिखाया गया है कि आई का मतलब सिर्फ छोटा ई की मात्रा होता है, यू का मतलब सिर्फ छोटा ओ की मात्रा होता है। पर यहाँ आप सीखते हैं कि उस एक स्पेलिंग का कितने सारे अलग अलग हिंदी अक्षर का व्यंजन की ध्वनि निकलती है, स्वर की ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे यू को। तो देखिए यू के बारे में, सॉरी ओ को, आज हम समझेंगे ओ को। ओ के बारे में हमें पता है कि ओ का मतलब ओ की मात्रा होती है, लेकिन ओ की ध्वनि इंग्लिश में आ भी निकलता है, आउ भी निकलता है और ऊ भी निकलता है। ठीक है, चलिए तो आज इसको समझते हैं बारीकी से। सबसे पहले ओ की ध्वनि ओ कब निकलेगी, ओ की ध्वनि ओ कब निकलेगी। तो हर उस वर्ड में, हर उस सेंटेंस में ओ की ध्वनि ओ निकलेगी जहां कई लेटर्स के बीच में ओ होगा। कई लेटर्स है उसके बीच में ओ आएगा, वहां पर ओ लिखना है उसे। ओ के बाद एक व्यंजन छोड़कर के ई आए, वहां पर उसको ओ ही पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड के बीच में आता है तब भी उसको ओ पढ़ना है। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके लिए जहां पर ओ को ओ ही पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन आपको ओ को ओ पढ़ना आता होगा। हम समझते हैं कि ओ को आउ कब पढ़ते हैं, क्या कब पढ़ते हैं, आउ। तो देखिए जब भी ओ के बाद डब्ल्यू हो, जब भी ओ के बाद डब्ल्यू हो वहां पर आप ओ को ओ नहीं आउ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आउ। तो देखिए C O W, तो C का मतलब का, O और W आऊ होंगे, तो हमने इसको कहा काऊ, क्या कहा, काऊ। तो ये हम लिख भी देते हैं ताकि आप ध्यान से समझ सकें, ये हुआ काऊ। D O N इसको हम बोलते हैं डाउन, क्या बोलते हैं, डाउन। B R O W N, B R हो गया ब्रा, O W N आउन, ये हो गया ब्राउन। ठीक, उसके बाद है C L O W N क्लाउन। ठीक है, जैसे ज्यादातर इसको क्लोन भी कहा जाता है, ठीक है, पर हमारे नियम में यह क्या होगा, क्लाउन। उसी तरह से T O W N, इसको हम कहेंगे टाउन, क्या कहेंगे, टाउन। तो समझ आया, जब भी ओ डब्ल्यू दिखे और वो सबसे लास्ट आपके लेटर्स हो वहां पर आप ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आओ। ठीक, आगे आगे हम समझते हैं कि ओ को आओ कब पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, आओ कब पढ़ा जाता है। तो जब ओ के बाद डबल एल हो, ओ के बाद डबल एल हो, ऐसे वर्ड में आप ओ को आओ पढ़ेंगे। जैसे इसको आप कहते हैं B O L L बॉल, क्या कहते हैं, बॉल। D O L L इसको आप कहते हैं डॉल, इसको आप कहते हैं P O L L पॉल। T O L L इसको आप कहते हैं टॉल, S C R O L L इसको आप कहते हैं स्क्रॉल, क्या कहेंगे, स्क्रॉल। समझ आया, जब भी आपको ओ के बाद डबल एल दिखे आप यहाँ पर ओ को आओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आओ। अगला एग्जांपल है आपका जिसमें आपको डबल ओ दिख रहा है, तो जब भी डबल ओ दिखे वो चाहे किसी भी वर्ड के तुरंत बाद लगा हो या दो व्यंजनों के बीच में हो, यहाँ पर आप ओ को ओ पढ़ेंगे। तो हम इसको कहेंगे बी का मतलब हो गया बा, इसका मतलब छोटा ओ की मात्रा, ठीक है, या बड़ों की मात्रा, और के का मतलब का, ये हो गया आपका बुक, क्या हो गया ये, बुक। इसी तरह से इसको हम फूड, लुक, रूफ, जू, ये कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब ओ को ऊ पढ़ना है, कब ओ को ओ पढ़ना है, कब ओ को आओ पढ़ना है, कब ओ को आओ पढ़ना है। ठीक है,
तो ये चार जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, इसके माध्यम से अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी वर्ड आपको इंग्लिश के जहां जहां मिले, चाहे आप प्लेलिस्ट में ढूंढें, चाहे आप गूगल में सर्च करें, चाहे आप अखबार में देखें, पुस्तक में देखें, जहां पर ओ आता है, थोड़े से इस नियम को ध्यान रखना है और उसके बाद फिर पढ़ने की कोशिश करना है, आपसे गलती बहुत कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब गलती होगा नहीं, और अगर आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं तो आप उच्चारण करके देखें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका होमवर्क ये रहता है कि आप नेट में सर्च करें, ठीक है, क्रोम में सर्च करें, आप लिख सकते हैं ओ वर्ड लिस्ट, तो उसमें ओ के जितने वर्ड है आ जाएगा। आपको जानना है ओ डब्ल्यू का, तो ओ डब्ल्यू वर्ड लिस्ट करेंगे तो ऐसे वाले बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। आप ओ डबल एल सर्च करेंगे तो ये वाले वर्ड आ जाएंगे। आप डबल ओ के वर्ड सर्च करेंगे तब भी आपके पास वर्ड आ जाएंगे। उसको आप लिखिए और जैसे मैंने हिंदी में लिखा वैसे आप भी लिखिए और पढ़ पढ़ के देखिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर आपको बताएंगे कि कैसे एक व्यंजन अलग अलग ध्वनि निकालती है। ठीक है, जैसे कॉमन आपने क्या पढ़ा है हमारे हिंदी में, टी का आपने ट पढ़ा है या तो ता पढ़ा है। अगर इस टी में एच लगा दे तो ये तो था हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में टी च भी होता है स भी होता है। कब कैसे कहां बताऊंगा व्यंजन वाली वीडियो में, जहां पर आप व्यंजन उच्चारण को समझेंगे। तो अगर आप ये सब समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप बारीकी से और ध्यान से देख करके वीडियो को समझ पाए और इंग्लिश पढ़ना सीख पाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।